अगर आप नौकरी पेशे वाले हैं और आपका ट्रांसफर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हो जाता है, तो उस समय आपके मन में सवाल उठता होगा कि आखिर अपना सामान कैसे ले जाएं। इस बीच अगर आपके पास कार है तो शायद ये समस्या और दुगनी महसूस होती होगी। लेकिन अब आपके कार ले जाने की टेंशन को सेंट्रल गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया है, यानी अब आपकी कार बेहिचक एक स्टेट से दूसरे स्टेट में फर्राटा भरेगी। और उस पर भी बोनस ये है कि आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तरह आरटीओ के चक्कर भी नहीं काटने पड़ेंगे। साथ ही दोबारा आपको उस राज्य में रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराना होगा। दरअसल केंद्र सरकार ने वाहनों के लिए भारत सीरीज का ऐलान किया है। इस सीरीज के तहत आपकी कार का नंबर BH से शुरू होगा, यानी अब कार के नंबर की शुरुआत UP, MH, HR जैसे प्रदेशों के नाम से नहीं होगी, बल्कि ये BH से शुरू होगा। इस सीरीज का नियम 15 सितंबर से लागू हो जाएगा। इस बात की जानकारी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने दी है। इसके लिए मंत्रालय की तरफ से नियम और फीस भी तय किए गए हैं। चलिए बताते हैं आपको कि इस सीरीज में क्या कुछ खास है। BH सीरीज में नंबर प्लेट की शुरुआत रजिस्ट्रेशन के साल के साथ होगी। जैसे आपने अगर इसी साल रजिस्ट्रेशन कराया है तो नंबर प्लेट की शुरुआत 21 के साथ होगी, उसके बाद BH लिखा होगा और फिर नंबर और आखिरी में दोबारा लेटर। नंबर प्लेट काले और सफेद रंग का होगा। सफेद बैकग्राउंड पर काले रंग से नंबर लिखा होगा। अब आपको बताते हैं कि कौन आखिर इस सीरीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिनके ऑफिस 4 या ज्यादा राज्यों में हैं, उनके एम्प्लॉयज अप्लाई कर सकते हैं। नई BH सीरीज के लिए सरकारी और प्राइवेट दोनों ही संस्थानों के एम्प्लॉयज भी अप्लाई कर सकते हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के एम्प्लॉयज भी इसमें शामिल हैं। हालांकि ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको इस सीरीज का नंबर लेना है या नहीं। अब जानते हैं कि आखिर एक राज्य से दूसरे राज्य में रजिस्ट्रेशन के लिए क्या नियम है। वाहन मालिक को किसी दूसरे राज्य में 12 महीने से ज्यादा समय तक वाहन रखने की अनुमति नहीं है। 12 महीने पूरे होने से पहले ही आप जिस भी राज्य में हैं, वहां दोबारा रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ऐसा करने के लिए वाहन मालिक को नए राज्य में वाहन को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए मूल राज्य से NOC लेना होगा। साथ ही नए राज्यों में प्रोराटा आधार पर रोड टैक्स का पेमेंट करने के बाद वाहन को एक नया रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है। लेकिन भारत सीरीज के नंबर के बाद ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, यानी आपको रजिस्ट्रेशन कराने की कोई जरूरत नहीं है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ।